ચોમાસાની લઈ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। આગામી બે દિવસ બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસું શરૂ થઈ જશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। ચોમાસાની સાઈસર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ હોવાથી આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે। આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં સામાન્યથી ભારે વરસાદી આગાહી કરાઈ છે। 48 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી ધમાકેદાર એન્ટ્રી થશે। અમદાવાદમાં પણ આગામી 5 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। આવતીકાલે રાજ્યના પૂર્વ ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે। નર્મદા, ભરૂચ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને વડોદરામાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। તેથી 27 અને 28 જૂને માછીમારી ન કરવાની પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। इस मानसून का फोरकास्ट भी आ रहा है अभी गुजरात के लिए। दो दिन में हम साउथ गुजरात में एक्सपेक्ट करें ऑनसेट हो जाएंगे मानसून का। और देखा जाए अभी फोरकास्ट देखा जाए गुजरात ही जिन्हें ऑल फाइव डेज फेयरली वेस्ट पर रखा है। अभी सौराष्ट्र के इसमें डे वन आइसोलेटेड, उसके बाद डे वन से स्कैटर्ड भी होगा और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी है। गुजरात रीजन देखा जाए ऑल फाइव डेज हमें वार्निंग रख रहा है। डे वन देखा जाए हमारे नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल ईस्टर्न गुजरात है, जैसे दाहोद, पंचमहाल, आनंद, बरोड़ा, उसी एरिया में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और डे टू से भी आपकी जो साउथ गुजरात है वो भी वलसाड उसी एरिया में है। एंड डे फोर तक आपका पूरा साउथ गुजरात में वलसाड, नवसारी उसी एरिया में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और सौराष्ट्र का इसमें आज ऑफ नाउ कोई वार्निंग नहीं है हेवी रेनफॉल का। और फिशरमैन वार्निंग भी जो मानसून कंडीशन से वैसे स्क्वाली वेदर एक्सपोर्ट करे डे थ्री से डे फाइव तक साउथ गुजरात में फिशरमैन वार्निंग भी है।